सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजे सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग पैन कार्ड का पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो अपने फ़ोन से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फिर अब आपको यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो फोटो सिलेक्ट करना है जितनी फोटो का आपको पीडीएफ फाइल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दो का बनाना है, आप यहाँ पर एक भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर समझाने के लिए दोनों का ले लिया हूँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर पैन कार्ड कुछ इस तरीके से आएगा, जब आप उसका फोटो खींचोगे तो इसी तरीके से आपको सीधा एकदम फोटो खींचना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है और लाइटिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप फोटो खींच लेना और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी आपको दिखे बैकग्राउंड में, जो आपका जब फोटो खींचोगे कैमरे से तो वहाँ पर जो बाकी चीज़ें होती है वो आपको कट कर देना है। यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड को सिलेक्ट करके रखना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एरो मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आएगा। अभी देख सकते हो, तो इसका जो कलर है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। ठीक है, जब आप करोगे तो आपका अगर फोटो खींचा हुआ होगा तो वो इतना बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए इसका कलर बिगड़ गया। तो अगर आपको ओरिजिनल जो आपका रहेगा वही अगर अच्छा लगता है आपको, तो यहाँ पर ओरिजिनल पर भी सेट कर सकते हो। अगर आपको इसमें एडिट करना है कलर वगैरह तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडिट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई दूसरा कलर चाहिए है कुछ इस तरीके से, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देख सकते हो। अभी इस तरीके से मैं जितना चाहूँ इसको उतना डार्क कर सकता हूँ और जितना चाहूँ उतना लाइट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इतना कर देता हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद फिर अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इस एरो के ऊपर। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे फिर आधार कार्ड का मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से जितने में आधार कार्ड रहेगा सिंपली वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, उतना ही आपको पार्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है आधार कार्ड वाला भी, जितने में आधार कार्ड हो। उसके बाद फिर यहाँ पर इस एरो के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरीके से फोटो आ जाएगा। और उसके बाद फिर इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद ये दोनों आपके फोटो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हो, जैसे पैन कार्ड का हो गया। और अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, इससे आपके जितने भी फाइल्स रहेंगे वो सारे आपका पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक जेपीजी का मिलता है और एक पीडीएफ का मिलता है, तो आपको पीडीएफ पे ही रखना है इसको। ठीक है, और अगर आप इसमें पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो पासवर्ड यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे सेव कर लेना कोई एक फोल्डर सिलेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक मैं फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, जैसे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, तो ये मेरा सेव होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ फाइल बना सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमारी पीडीएफ फाइल बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।